दिल्ली के जाफराबाद इलाके की कनीजा मस्जिद वाली गली में करीब 40 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। दो अज्ञात हमलावरों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया, जो कि सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली का उत्तर पूर्वी जिला एक बार फिर सुर्खियों में है। ताज़ा मामला थाना जाफराबाद से जुड़ा है, जहां दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति की उसी के घर के नीचे गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावर मृतक के जानकार थे। मृतक के घर के बाहर सीसीटीवी लगे हुए हैं, जिसमें पूरी घटना कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल भेज दिया है। मेरा नाम मोहम्मद अशमुद्दीन है भाई। भाई मेरे भाई के साथ में यह हुआ है कि मेरा भाई आया था ऊपर से नहा धो के नीचे। वो अपनी गाड़ी की डिग्गी खोल रहा था, डिग्गी खोलने के लिए सामान रखने के लिए डिग्गी खोलते ही हैं। तो दो लड़के उधर से सामने से आए, पहले इधर चले गए वो गली में। गली में जाने के बाद में फिर वापसी आया वो रिटर्न। तो रईस भाई हमारे जो बड़े भाई हैं वो बात कर रहे थे अपने दोस्त से खड़े हो गए मिस्त्री साहब से। तो वो लड़के फिर रिटर्न आने के बाद में एक लड़का इधर खड़ा हो गया और एक लड़का इधर खड़ा हो गया। तो इधर जो लड़का खड़ा था उनने अपना सामान निकाल के नहीं है भाई के यहाँ रखना चाहा, गोली मारना चाहिए। तो भाई ने हाथ उसका झटक दिया। जैसे हाथ झटका तो वो इधर की तरफ दुकान अपनी दुकान की तरफ भागने लगे। तो जो पीछे लौंडा भाग रहा था ना, उसने दो फायर खोले, एक दिमाग में मारी उनने और एक कंधे पे मारी है, लगी दोनों सर के पास ही। रईस भाई प्रॉपर्टी डीलरी का काम करते थे बड़े भाई। नहीं रंजित तो कुछ नहीं है, रंजित यही थी सट्टे वालों से रंजित थी। यहाँ पे जो उल्टी सीधी बातें करते थे, बदमाशी दिखाते थे, उनसे रंजित थी और तो कोई बात ही नहीं थी। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो कोई गलत काम कर रहा था, ये माहौल है, मोहल्ला बच्चे भी हैं छोटे बड़े, ये रंजित है। यहाँ पे गलत काम करने तो कोई रंजित नहीं है जी। इसमें बेचने दो, गांजा बेचने दो, लौंडियाबाजी होने दो तो ठीक है। अगर इसमें जो बोलेगा उसके लिए वो सबसे बड़ा दुश्मन आदमी है। गली साफ रखता था मेरा भाई, गली मोहल्ला ऐसा रखता था कि यहाँ पे आपको रख के दिखा दे, कूड़ा एक ऊपर से किसी को फेंकने देता था। ये रंजिश थी जी। ये बताओ अगर वो चाहता तो क्या बुरा चाहता था गली का? ये लाइट है वगैरह, सड़क है वगैरह, सब मेरे भाई की देन है। ये आज ये दो दो कोड़ी के आन के बस गए, रंजिश से दिखा रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर। भाई जिसमें दिखानी है ताकत हो खुल्ला दिखाओ ना, पीठ पीछे क्या बार कर रहे हो तुम लोग? इसमें गए यहाँ भी की शराब, यहाँ भी की लड़कीबाजी, यहाँ फ्लैट में हम किसी की होने नहीं देते। ये हमारी रंजिश है जी, और कोई रंजिश नहीं है। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में हत्या की एक हफ्ते में यह दूसरी वारदात है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि मृतक रईस अपने घर से कहीं बाहर जाने के लिए अपनी स्कूटी पर पहुंचा, तभी घात लगाए गली में घूम रहे दो अज्ञात बदमाशों ने सिर पर सटाकर गोली मारी, जो कि मिस हो गई। इसके बाद दूसरे बदमाश ने रईस को गोली मार दी, जिससे रईस की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से हत्यारों की पहचान करने में जुटी है। लेकिन जिस तरह से बदमाशों ने दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उससे साफ जाहिर है कि दिल्ली में बदमाश बेखौफ हैं। टाइम 24 न्यूज़ के लिए दिल्ली से राकेश चावला की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।